गाइज व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ अबाउट द थर्ड इफेक्ट जिसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। सो गाइज अभी तक आप लोगों के साथ में रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस कर चुका हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसे ई इफेक्ट भी बोला जाता है, ई इफेक्ट भी बोला जाता है। अभी हम इसका प्लस ई माइनस ई दोनों टाइप का इफेक्ट डिस्कस जरूर करेंगे इसी वीडियो में, बट अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। गाइज ये उस बच्चे की तरह होता है जो वैसे तो बहुत अच्छा है, सीधा है, सभ्य बच्चा है, लेकिन जैसे ही इस सभ्य सिंपल सोबर बच्चे के घर पे इसके भाई बहन आते हैं गर्मी की छुट्टियां मनाने, ये बच्चा शैतानी करने लग जाता है। मतलब यूं तो बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे ही किसी और के इन्फ्लुएंस में आएगा, ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करने लगेगा। दैट मीन्स सबसे पहली और सबसे खास बात, इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। सबसे पहली और सबसे खास बात, ये कैसा इफेक्ट होता है, ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। यानी कि जब कभी भी कोई अटैकिंग स्पीशीज आपके मॉलिक्यूल के पास आएगी, ये इफेक्ट शुरू हो जाएगा और जैसे ही आप वो अटैकिंग स्पीशीज को इससे दूर करोगे, ये इफेक्ट वापस से बंद हो जाएगा। दैट मीन्स ये टेम्पररी इफेक्ट शो करता है and this effect is shown only in presence of attacking groups। सिर्फ attacking groups के presence में ही आप ये effect show कर पाएंगे, otherwise ये effect show नहीं होगा। चलो एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल लेकर मैं आपको पहले इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट करना सिखाता हूं, उसके बाद हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे। सो लेट्स से मेरे पास में एक सी डबल बॉन्ड ओ टाइप का एक ग्रुप है, और एक और चीज समझते हैं। लेट्स से मेरे पास में मैं क्या लूं, ठीक है, सी यहां पर एक दो बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड है, तो ये दो अलग अलग ग्रुप्स लेकर मैं आपके साथ बातचीत करूंगा, ये मैं इसको सेपरेट कर देता हूं। सो गाइस सबसे पहली बात देखो, अभी जब आप इन दोनों ग्रुप्स को देखोगे, ये शांति से बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, बोथ ऑफ देम आर वेरी स्टेबल। लेकिन दोनों में आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, यहां पर एक सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक H पॉजिटिव स्पीशीज इसकी तरफ बढ़ी, और यहां पर क्या हुआ, एक CN नेगेटिव नाम की स्पीशीज इसकी तरफ बढ़ी, ठीक है। अब इन दोनों स्पीशीज को आप थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। बेटा ये जो स्पीशीज है, ये स्पीशीज एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, वी ऑल नो, क्योंकि इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज शो करता है कि यहां पर हो सकता है कार्बन के पास एक लोन पेयर हो। और ये जो स्पीशीज है बच्चों, ये स्पीशीज एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ये उस स्पीशीज की तरफ बढ़ेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। क्या ये दो बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही है? So, ये दो अलग अलग केसेस आपके सामने बन रहे हैं। जैसे ही ये एच प्लस इस स्पीशीज की तरफ बढ़ेगा, इन दोनों कार्बन में से ये एच प्लस जिस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, तो मैं बोलता हूं कि ये एच प्लस आया और इस एच प्लस ने लेट्स से इस कार्बन पर अटैक किया, इस स्पीशीज ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया। अब ये कार्बन का क्या फर्ज बनता है, आप खुद सोचो, मेरे को किताब की या बुक की लैंग्वेज, कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग, पाई बॉन्ड, ये सब से मतलब नहीं है, मुझे आपको कंसेप्ट सिखाना है। कंसेप्ट क्यों, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको कंसेप्ट लगाते आना चाहिए, आपको मैकेनिज्म बनते आना चाहिए।
जेई में आपको, नीट में आपको कंसेप्ट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो जब ये एच पॉजिटिव आएगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनेगी? सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस एच प्लस से बॉन्ड बना लूं, करेक्ट। ये कार्बन क्या सोचेगा कि इस एच प्लस से बॉन्ड बना लूं। अब बॉन्ड बनाने के लिए आप लोगों के पास क्या होना चाहिए? कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए मेरे पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आपके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी तो हम दोनों हमारे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। तो अभी राइट नाउ इस कंडीशन में इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अब पूरे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हो गई? इस कार्बन की, कि अपने पास तो एक इलेक्ट्रॉन रखे लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कहीं से अरेंज करके इस हाइड्रोजन को दे, ताकि इन दोनों के बॉन्ड्स, मतलब इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो सके और इनके बीच में बॉन्डिंग बन सके। तो अब ये कार्बन क्या करेगा, चारों तरफ सर्च करेगा, बोलेगा यार ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो तोड़ नहीं सकता, तो कौन सा बॉन्ड मूव करूं? पाई बॉन्ड, विच इज द इजीएस्ट लूजेस्ट बॉन्ड, बहुत लूज होता है। तो ये क्या करेगा, ये तुरंत इस बॉन्ड को अपनी ओर मूव कर लेगा। इनफैक्ट इस तरीके से मूव करेगा ये कि अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये पड़ोसी के कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लाए। तो ये इलेक्ट्रॉन तो अपने पास रखेगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन सीधे किसको प्रोवाइड करेगा? इस हाइड्रोजन को। और नाउ इन द नेक्स्ट केस यू विल सी कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इसके दो बॉन्ड पहले से बने हुए थे, और अब ये तीसरा बॉन्ड जो बना जिसमें एक इलेक्ट्रॉन तो इस खुद के कार्बन का, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन का खींच लिया गया था, और अब ये हाइड्रोजन को सप्लाई कर दिया गया है, और अब इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ये वाले कार्बन ने छीन लिया। क्या ये बात आप लोगों को गाइस समझ में आई? इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट तो नहीं है? सो इन दिस केस यू आर ऑब्जर्विंग दैट पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा है बच्चों? इस केस में, इस वाले केस में आप लिखेंगे दैट पाई इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टिंग, कहां शिफ्टिंग? टुवर्ड्स किसकी तरफ? द एटम, उस एटम की तरफ विच इज एक्सेप्टिंग द अटैकिंग ग्रुप। मतलब ये उस कार्बन की तरह, उस एटम की तरफ मूव कर रहा है जो अटैकिंग ग्रुप को रिसीव कर रहा है। ये कार्बन अटैकिंग ग्रुप को रिसीव कर रहा है और पाई इलेक्ट्रॉन भी इसी कार्बन की तरफ आ रहा है। मतलब यहां पर सब कुछ एक कार्बन के ऊपर हो रहा है, अटैकिंग ग्रुप भी इस कार्बन पर आ रहा है और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन भी अपनी ओर खींच रहा है। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है? श्योर शॉट, पक्की बात? ध्यान से इसको देख लीजिए, मैं एक सेकंड के लिए स्क्रीन के सामने सेट रहा हूं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट? सुपर। अब इसकी तरफ चलते हैं। अब यहां पर क्या होगा बेटा, इन दोनों एटम्स में वी नो दैट दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो जो ग्रुप है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आर न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग। हम लोग सब जानते हैं यहाँ ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये न्यूक्लियोफाइल आकर सीधा अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब जरा ध्यान से एक बात देखो, यहां पर न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर पहले से अवेलेबल है, यहां पर इस न्यूक्लियोफाइल के पास लोन पेयर पहले से अवेलेबल है। दैट मीन्स ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहा है और ये इलेक्ट्रॉन चाहे तो किसी को दे सकता है, मतलब इसके पास पूरी पूरी व्यवस्था है बॉन्ड बनाने की। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के पास आएगा, ये इस कार्बन को क्या बोलेगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स की बॉस बिल्कुल कमी नहीं है, आप बस मुझसे बॉन्ड बना लो। लेकिन कार्बन बोलेगा कि मेरे पास 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, एंड 1, 2, 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स मैंने शेयर कर रखे, तो मेरे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन खाली कर दो, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दो। अब ये कार्बन सोचने बैठेगा कि यार
ये सिग्मा सिग्मा बॉन्ड तो टूटते नहीं है, इतना आसान नहीं सिग्मा बॉन्ड तोड़ना। तो फिर ये कार्बन सोचेगा कि अरे ये पाई बॉन्ड है ना, और ये तो लूजली हेल्ड होते हैं, लेकिन कार्बन को इस पाई इलेक्ट्रॉन को कहीं भेजना भी पड़ेगा, और सामने कौन अटैच्ड है, एक ऐसा एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स तो बेटा हमेशा फिराक में रहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स खींच ले। तो यहां पर पूरा मैटर बहुत इजीली सॉर्ट आउट हो जाएगा, यहां पर कार्बन इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर देगा। शिफ्ट करते ही क्या होगा, क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, वी विल सी। यहां पर हो जाएगा सी, ये इसके दो बॉन्ड पुराने पहले से बने हुए हैं, यहां पर एक नए बॉन्ड से साइनो जुड़ जाएगा, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन ये साइनो का और ये इलेक्ट्रॉन भी साइनो का होगा, ये जो मैंने यहां पर बना रखे हैं। और यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन में आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये वाला जो लोन पाए इलेक्ट्रॉन जो टूटेगा, पाए बॉन्ड जो टूटेगा, वो अब आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा, दैट मीन्स ऑक्सीजन पर आ जाएगा एक निगेटिव चार्ज। तो क्या आपको ये वाला फंडा क्लियर हुआ गाइस? तो ये दो तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट आपको काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये दोनों जो सिचुएशन क्रिएट हुई, ये कब क्रिएट होगी, ये तब क्रिएट होगी जब इस तरीके की कोई स्पीशीज, कोई अटैकिंग ग्रुप इन मॉलिक्यूल्स के पास आए जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले से होगा। अगर ये दोनों स्पीशीज लाइक सी एन नेगेटिव और एच पॉजिटिव अगर इनके पास नहीं आएंगे, तो ये किसी भी तरीके का इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्या ये बात गाइज हमको समझ में आ रही है? सो यहां पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां जा रहा है, यहां पर हम लिखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे फ्रॉम द एटम विच इज रिसीविंग अ अटैकिंग ग्रुप। अटैकिंग ग्रुप को जो रिसीव कर रहा है उस एटम से ये दूर जा रहा है, विच इज रिसीविंग अ अटैकिंग ग्रुप, ये उससे दूर जा रहा है। एंड कहां जा रहा है, यहां पर हम स्टार बना के लिखेंगे, कहां जा रहा है, टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। यूजुअली आपका पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट होगा, ये उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा है। नाउ गाइस दिस इफेक्ट, यो वो इफेक्ट जिसमें आपके मॉलिक्यूल का एक कार्बन पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई करता है, या वो इफेक्ट जिसमें अटैकिंग ग्रुप जिस कार्बन पर लग रहा है पाए इलेक्ट्रॉन भी उसी कार्बन पर आता है, इट इज कॉल्ड एस प्लस ई इफेक्ट। प्लस यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एंड वो कंडीशन जिसमें अटैकिंग ग्रुप जिस एटम पर अटैक कर रहा है पाए इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट एटम की तरफ, उससे दूर चला जाए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ चला जाए, इट इज नोन एज माइनस ई इफेक्ट, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। समझ में आ रही है गाइस हम लोगों को? सो दिस इज अ टेम्पररी इफेक्ट जो कि दो तरीके का होता है, माइनस ई इफेक्ट एंड प्लस ई इफेक्ट। तो गाइज यहां पर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वाला पॉइंट खत्म होता है, आराम से इसको देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए। इसको खत्म करने के बाद हम लोग हमारे लास्ट इफेक्ट दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि इंटरेस्टिंगली एक रेजोनेंस है, उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा इसी क्लास में, जब तक इसको फटाफट नोट कर लो। कूल गाइज, चलो बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट गाइस हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग मूव करना स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स अनदर इफेक्ट एंड द लास्ट इफेक्ट, जो कि एक बहुत स्पेशल टाइप का इफेक्ट है, जिसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस इफेक्ट के बारे में बात की थी हम लोगों ने, जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन बोला जाता है। मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो फर्स्ट चैप्टर इसके फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा भी था कि हाइपर कॉन्जुगेशन अभी बस नाम देख लो, समझा बाद में दूंगा, और अब वो टाइम आ गया है कि हम लोग यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को पढ़ें। हाइपर कॉन्जुगेशन, अब ये पहली बार ये इफेक्ट एक अलग टाइप का इफेक्ट होने वाला है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है। देखो क्या, दैट इज व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन,
देखो बेटा, जब कभी भी आपके पास एक कार्बन जिससे सिग्मा बॉन्ड्स के थ्रू हाइड्रोजन कनेक्टेड हो, दूसरी खास बात गाइस, दिस कार्बन शुड बी अल्फा कार्बन। ये कार्बन कैसा होना चाहिए? अल्फा कार्बन। तो इसके अल्फा कार्बन होने की वजह से इससे जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। समझ में आ गई बात हम लोगों को? तो अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर आप लोगों को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू, कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू आप लोगों को यहां पर हाइड्रोजन कनेक्टेड दिखेगा। ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रहेंगे, मतलब मैं आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के शेप के अकॉर्डिंग भी पढ़ा रहा हूं। ये आपका कार्बन हो गया, ठीक है, जिससे sp3 हाइब्रिडाइजेशन से तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तीनों बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। अब अगर ये कार्बन एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड हो जिसके पास, लेट्स से फर्स्ट केस में डबल बॉन्ड कनेक्टेड है, यानी कि यहां पर एक पाई बॉन्ड है। समझ में आ रही बात हम लोगों को? तो गाइस, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो इन दोनों कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन लिंक्ड होता है उसको अल्फा कार्बन बोला जाता है। सो ये कार्बन अब एक ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो कि कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। गाइस हमेशा ध्यान, एक याद रखिएगा बात, जब कभी भी ये कार्बन जिनके पास डबल बॉन्ड होता है इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा दिखता है? sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास हमेशा p ऑर्बिटल वैकेंट होता है। इनके पास हमेशा p ऑर्बिटल कैसा होता है? वैकेंट होता है। तो दिस इज योर p ऑर्बिटल, या इनको ऐसा बोलना चाहिए अनहाइब्रिडाइज्ड, सॉरी आई वुड रादर से अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। और इस अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से आप लोगों को यहां पर एक पाई बॉन्ड दिखता है। समझ में आ रही है बात गाइस हम लोगों को? ठीक है, यहां तक का फैक्टर समझ में आया। सो एक्चुअली क्या होता है गाइस, ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड का हाइड्रोजन है ये इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में रहता है। दिस इज इन कॉन्जुगेशन, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। मतलब सीधी सी बात है, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है या ये हाइड्रोजन है, ये इस पाई बॉन्ड के साथ कैसा रहता है, कॉन्जुगेशन में रहता है। ये एक पहला केस बन गया आप लोगों के सामने। दूसरा केस गाइस ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास में एक अल्फा कार्बन है और उसके पास तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है और इसके पास में एक CH2 है और यहां पर भी एक CH2 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या यह बात आपको समझ में आ रही है? या हम इसको इतना आगे ना बढ़ाते हो, हम इसको और सिंपल ले जाएं, हम इसी पे पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। सो या तो आपका कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, मतलब उसके पास पाई बॉन्ड हो, या तो उसके पास में एक पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब अगेन यहां पर तो पी ऑर्बिटल पूरी तरीके से क्या होगा, वेकेंट होगा। मतलब यहां पर अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, ये मैंने तीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बना दिए और इससे एक कार्बन कनेक्ट कर दिया और इसके पास एक पूरा वेकेंट पी ऑर्बिटल बना दिया, दिस इज कंप्लीटली वेकेंट पी ऑर्बिटल। क्या ये दो केसेस आपको समझ में आ रहे हैं बच्चों? ये दो तरीके की चीजें आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। तो अब होगा क्या, ये कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम तो मैंने सिर्फ आपको इमेजिनेशन करवाने के लिए करवाया हुआ है। अब होगा क्या एक्चुअली, क्योंकि ये पाई बॉन्ड काफी वीक होता है, अगर ये कार्बन इस पाई बॉन्ड को विड्रॉ कर ले, ठीक है, अगर ये कार्बन इस पाई बॉन्ड को विड्रॉ कर ले, तो अब ये सिचुएशन कुछ ऐसी दिखेगी हमें। यहां हो जाएगा CH3 अभी भी रहेगा, यहां पर आ जाएगा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, यू विल ऑब्टेन अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर, और यहां पर कार्बन के पास दो एच हो जाएंगे और यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कार्बन ने ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है,
विड्रॉ कर लिया है, मतलब ये कंडीशन समझ में आ रही है। तो अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए यू विल ऑब्जर्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस अल्फा हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। अल्फा हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होकर इस कार्बन के पास आ जाएगा, एंड नाउ यू विल सी कि यहां पर एक H है, यहां पर CH, और ये H पॉजिटिव फॉर्म में अलग हो जाएगा, इसका बॉन्ड खत्म, और इसका बॉन्ड इस दोनों कार्बन के बीच में आ जाएगा वाया डबल बॉन्ड, एंड यहां पर आपको दिखेगा नेगेटिव चार्ज। तो अब इन दोनों में आ गया डबल बॉन्ड, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये टूट के कहां आ गया, इन दोनों कार्बन के बीच में। समझ में आ रही बात गाइज हम लोगों को। यहां पर एक केस और हो सकता है कि इस बॉन्ड की जगह पर, इस हाइड्रोजन की जगह पर हो सकता है कि ये हाइड्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दे, तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर डीलोकलाइजेशन करते वक्त CH यहां पर आ जाए H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये भी एक केस हो सकता है। और तीसरा केस ये भी हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन इसको डोनेट कर दे, तो आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर और बनता हुआ दिखाई देगा, यहां पर तो H पॉजिटिव हो जाएगा, H डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड अ नेगेटिव चार्ज। क्या बात समझ में आ रही है गाइज आप लोगों को? तो यहां पर आपको बात इस तरीके से तीन स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं, और गाइज इन तीनों स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3 में आप देख रहे हो देर इज अ शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड की आपको क्या हो रही है, शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, इसीलिए इसे एक स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस बोला जाता है। इट इज अ वेरी स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस जिसमें कि पाई इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के साथ साथ सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। क्या ये चीज क्लियर हो रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है? एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अब एक काम करते हैं अपन इसको हटा देते हैं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। कई बार बच्चे ये कहते हैं कि सर अब अगर मान लीजिए ये जब हाइपर कॉन्जुगेशन चल रहा है तो क्या स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 और स्ट्रक्चर नंबर 3 में जो H प्लस अलग हुआ है क्या ये अलग होकर निकल जाएगा? सो गाइस नो, ऐसा नहीं है। भले ही यहां पर बॉन्ड हट गया है लेकिन ये हाइड्रोजन अभी भी टाइटली चिपका हुआ है, टाइटली एसोसिएटेड है, मतलब ये हाइड्रोजन अभी भी इनसे टाइटली एसोसिएशन में रहेगा, बिल्कुल भी अलग नहीं होगा। तो एक स्टार बनाकर और पॉइंट लिखेंगे, H प्लस इन ऑल थ्री स्ट्रक्चर इज इन टाइट, वेरी टाइट आई वुड से, टाइट एसोसिएशन विथ द कार्बन, बिल्कुल टाइट एसोसिएशन में होता है, और इसी वजह से इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एस नो बॉन्ड रेजोनेंस। मतलब आपके इस हाइपर कॉन्जुगेशन का एक नाम और पड़ गया जिसको बोलाता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, इट इज कॉल्ड एस नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बात समझ में आ रही बेटा हम लोगों को? तो इस पूरे इफेक्ट को एक बार जरा ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए एक सेकेंड में, फिर थोड़ा सा रब करके और आपको इसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा, फटाफट इसको नोट करो। ठीक है गाइस, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसके बारे में एक दो खास बात और मैं आपको बताता हूं, एक बात और अच्छे से समझ लीजिए इसको। यहां पर आप देखो कि इस कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 1, 2, 3, तो आपको कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले, 1, 2, 3। समझ में आ रही है बात? तो हम लोग यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, आपके पास जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही आपको नंबर ऑफ
हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अगर आपके पास में अल्फा कार्बन आपके पास अल्फा हाइड्रोजन अगर तीन है तो तीन, दो है तो दो, बारह है तो बारह, इस तरीके से आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं वो आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर्स यहां पर मिल सकते हैं। क्या ये बात हमको समझ में आ गई गाइस? सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन, विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इफेक्ट, जो कब देखने को मिल सकता है, जब आपका अल्फा कार्बन के सिग्मा बॉन्ड्स एक ऐसे कार्बन से जुड़े हुए हो जिसके पास या तो डबल बॉन्ड हो या तो उसके पास में पॉजिटिव चार्ज हो। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हम लोग एक और एग्जाम्पल करके, एक और एग्जाम्पल बनाकर देख लेते हैं, उसमें भी एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन करके देखेंगे, आप लोग मेरी मदद करेंगे उसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन बनाने में, आप लोग मुझे बताते चलेंगे कि सर यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा होगा, मतलब अपने मन में सोचते चलेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से, और अगर बिल्कुल सही आप लोगों ने थिंकिंग करी है तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया है, आप हाइपर कॉन्जुगेशन लगा सकते हो और इसको स्टेबलाइज कर सकते हो। तो नाउ लेट्स से मेरे पास में एक कार्बन है, यहाँ पर एक CH3 मान लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर इसके पास में हाइड्रोजन तो है बट यहाँ पर इसने एक पॉजिटिव चार्ज ऑक्यूपाई किया हुआ है। सो नाउ गाइज व्हाट विल हैपन, पहली बात तो बताओ कितने स्ट्रक्चर्स मिलेंगे मुझे, क्योंकि ये कार्बन, इस कार्बन को अल्फा कार्बन बोला जाता है। बेटा अल्फा कार्बन का मतलब वो कार्बन जो कि एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है? तो ये अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो सबसे पहले आप एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां कनेक्टेड रखेंगे और यहां से H प्लस निकालेंगे, तो ये बन जाएगा CH2, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर वन हो गया। अगले केस में ये बन जाएगा H पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2, और तीसरे केस में ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो आपको तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं, तीन केसेस आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, इसे भी क्या बोला जाएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब आपको हाइपर कॉन्जुगेशन धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, यानी कि यहां पर आपने तीनों केसेस में अगेन कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है आपने उसको डीलोकलाइज किया, और कहां डीलोकलाइज किया? आपने उस कार्बन को ये इलेक्ट्रॉन दे दिया ताकि ये कार्बन क्या हो सके? स्टेबलाइज हो सके। तो गाइज आप देखो ये पूरी इफेक्ट हो क्यों रही है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों हुआ? ताकि ये कार्बन क्या गेन कर सके? स्टेबिलिटी। ताकि ये कार्बन क्या गेन कर सके? स्टेबिलिटी। अच्छा, इसको स्टेबिलिटी दिलाने के चक्कर में क्या आपका ये H प्लस, क्या ये एच प्लस और क्या ये एच प्लस बेघर हो गया? जी नहीं, अभी हम लोगों ने देखा नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब भले ही कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड नहीं है लेकिन ये कार्बन इस, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से, ये हाइड्रोजन इस कार्बन से बहुत टाइटली एसोसिएटेड है, मतलब हाइड्रोजन कहीं नहीं जा रहा है और साथ साथ में कार्बन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टेबलाइज भी हो रहा है, स्टेबल भी हो रहा है। समझ में आ रही है बात हम लोगों को? तो हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे दैट हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट ध्यान रखिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन या हमेशा लिखेंगे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन हाइपर कॉन्जुगेशन, इन हाइपर कॉन्जुगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, यानी कि एक मॉलिक्यूल जितने ज्यादा रेजोनेटिंग, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा उतनी उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। जैसे यहां पर आपको एक, दो और तीन स्ट्रक्चर मिल रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होगी, अगर कहीं पर आपको नौ स्ट्रक्चर मिलेंगे तो स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी, अगर आपको 12 स्ट्रक्चर मिलेंगे तो स्टेबिलिटी और ज्यादा होगी। तो इनफैक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। कहां पर स्टेबिलिटी? कब? जब ऐसे कार्बन जिनके पास एक पॉजिटिव चार्ज हो, मतलब इनसे जुड़ा हुआ कोई फंक्शनल ग्रुप इसको छोड़ के भाग गया हो, आ रही है बात हम लोगों को समझ में? ऐसी कंडीशंस में, ठीक है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन आगे आप लोगों को बहुत मदद देगा, एलिमिनेशन रिएक्शंस वगैरह में बहुत काम देगा, तो अभी इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, अलग अलग हाइपर कॉन्जुगेशन में अलग अलग स्टेबिलिटी की। फटाफट इसको नोट कीजिए। ओके गाइस, तो आई गेस हाइपर कॉन्जुगेशन अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है हम लोगों को, इसके अंदर कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है?
चलिए अब एक बार मैं आप लोगों को इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाकर इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये आपका कार्बन है जो कि अभी इसके पास कुछ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, sp3 sp3 sp3, यहां हाइड्रोजन और यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, और ये कैसे कार्बन से कनेक्टेड है जिसके पास अभी दो sp3 हाइब्रिडाइज तो है लेकिन एक पी ऑर्बिटल इसका वैकेंट हो गया। दिस इज प्लस ऑर्बिटल, और प्लस ऑर्बिटल की वजह से इसका जो पी ऑर्बिटल है वो क्या हो गया है, पी ऑर्बिटल इज वैकेंट। तो अब इसके पी ऑर्बिटल को स्टेबलाइज करने के लिए जब ये वाला हाइड्रोजन अलग होगा और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ, आई मीन जब ये ऑर्बिटल जब इसके साथ एक डबल बॉन्ड बना लेगा इस तरीके से, ये जो डबल बॉन्ड बना है ये इस तरीके से बना है, एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो गाइज आई गेस आप लोगों को हाइपर कॉन्जुगेशन तो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, और हम यही कहेंगे कि ये वाला कार्बन इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन में है। अब अगर मान लो आप लोगों के पास एक ऐसा क्वेश्चन आता है या आप लोगों को ये पता करना हो कि इन तीन स्ट्रक्चर में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, सो कुछ एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग। लेट से आपके पास में एक टर्शरी कार्बोकेटायन है CH3। देखो मैं क्या है बेटा, इसको पूरा ओपन करके बना रहा हूं, पूरा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बना रहा हूं। हो सकता है आप लोगों को इतना अच्छे तरीके से क्वेश्चन में ना गिवन हो, आपको कंप्रेस्ड तरीके से स्ट्रक्चर दिए गए हो, बट आपको स्ट्रक्चर ओपन करके लिखते जरूर आना चाहिए। सो ये CH3 हो गया, ये आपका सेकेंडरी कैटायन हो गया, ये बनाता हूं मैं प्राइमरी CH3 CH3 CH3, HH ये हो गया प्राइमरी, और ये हो गया मिथाइल। अब आपसे पूछा जाए कि इन तीन में से, यानी कि ये जो आपके पास में है दिस इज योर टर्शरी कार्बोकेटायन, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको CH3 CH3 CH3, ये आपका सेकेंडरी है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH3 प्लस, ये आपका प्राइमरी CH3 CH H प्लस, और ये सिंपल आपका मिथाइल केटाइन CH3 प्लस। और इसमें पूछा गया है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सो बच्चों इसका जवाब आप कैसे दोगे, इसका जवाब आप दोगे विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ देर पहले मैंने आप लोगों को एक तरकीब सिखाई थी, एक ट्रिक सिखाई थी, और वो ट्रिक क्या थी, आपको गिनना है अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन्स कितने हैं आप लोगों को ये गिनना है। सो बेटा ये वाला कार्बन जिसके पास पहले डबल बॉन्ड हुआ करता था या जो भी है, अब इसके पास में ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन है, और ये एक अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन तीन है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो इसके पास देर आर 9 अल्फा हाइड्रोजन्स, सो देयर फोर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो जाएंगे, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे इसके, और अगर इसके 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। सो देयर फोर सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। सेकेंडरी वाले केस में आप देखो एक अल्फा ये है और एक अल्फा ये है, ये तो हाइड्रोजन हो गया, तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, सो देयरफॉर इसके पास 6 हाइपर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, एंड देयरफॉर इसकी स्टेबिलिटी इससे थोड़ी सी कम है। यहां वाले केस में सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, देयरफॉर इसके पास 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, और इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है और कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके लिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो आप लोगों को यह डिसाइड करते आना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, और यहां वाले केस में गाइस ध्यान रखना, जब ये कार्बन किसी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो तब मैं इसे अल्फा बोलूंगा, अगर ये डायरेक्ट ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ गया तो ये अल्फा हो जाएगा और ये तीन बीटा हो जाएंगे। तो यहां पर जो मैं आपको अल्फा कार्बन बार बार बोल रहा हूं, इन तीनों का अल्फा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड हुआ करता था, इसके पास डबल बॉन्ड हुआ करता था, और डबल बॉन्ड पास वाले कार्बन ने
खींच लिया होगा, ये कुछ ऐसा शुरू में हुआ करता होगा, सी डबल बॉन्ड सी एच टू, इस तरीके से। समझ में आ रही बात हम लोगों को? तो गाइज यहाँ पर एक पहली एप्लीकेशन अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया। आप लोगों को एक क्वेश्चन और इस तरीके से आ सकता है, मैं आपको एक चीज और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन फाइनली खत्म हो रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन में आप लोगों को एक क्वेश्चन और आ सकता है कि मान लीजिए आपके पास में एक स्ट्रक्चर है सी सी एच थ्री सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच थ्री, एक स्ट्रक्चर है सी एच थ्री सी सी एच थ्री डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एच थ्री, और एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच, और एक स्ट्रक्चर हो सकता है एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच एच। इन सब में आपको पता लगाना है मैक्सिमम स्टेबिलिटी कितनी है। तो देखो बेटा, ये दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, ये दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, और यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है। तो बेटा अगर आपके पास यहाँ पर एक दो तीन चार अल्फा कार्बन है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हर के पास तीन तीन, तो यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर तीन तीन छः और तीन नौ अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, यहाँ पर तीन और तीन छः अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर सिर्फ तीन अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पर नौ अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसके पास, पहले स्ट्रक्चर के पास, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल वो, क्योंकि जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और उतने ही प्रोपोर्शनलिटी उसकी स्टेबिलिटी की होगी। तो बेटा आपको इसके 12 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल ये, फिर 9 वाला, फिर 6 वाला, फिर 3 वाला, और लास्ट में ये लीस्ट स्टेबल। तो गाइज हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस भी अब आप लोगों को क्लियर है। आई होप हाइपर कॉन्जुगेशन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए। यहाँ पर हमारे इफेक्ट्स खत्म होते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। आई होप वीडियो पसंद आया होगा गाइज, वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसा लगा। और गाइज एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसे कि हमारे जो भी वीडियोस प्रीमियर फॉर्म में आते हैं आप लोगों के सामने, सो गाइज प्रीमियर में जैसे आप लोग मेरे साथ चैट करते तो चैट में एक ऑप्शन होता है सुपर चैट। सुपर चैट में आप ग्रेविटी सर्कल को या हम लोगों को एक बहुत नॉमिनल सा अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लाइक 20 रुपीज़ 40 रुपीज़ मंथली, रेगुलरली नहीं, मंथ में एक बार या मंथ में दो बार, एज पर योर कन्वीनियंस, और ट्रांजेक्शन कम्प्लीटली सेफ होता है। आप जो पेमेंट करते हो वो पहले यूट्यूब सिक्योर्ड नेटवर्क से अपने पास लेकर आता है और फिर वो एडुकेटर्स को ट्रांसफर करता है। तो इफ़ यू फील, इफ यू वॉन्ट, यू कैन डेफिनेटली डोनेट अ स्मॉल अमाउंट टू ग्रेविटी सर्कल सो दैट वी कैन कंटिन्यू ऑन यूट्यूब। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करो ग्रेविटी सर्कल को, सब्सक्राइब करो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।